हाय दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगा के मुनाफा कमाना तो अच्छा लगता है, लेकिन शेयर्स कैसे ढूंढे जाए और उन पर रिसर्च कैसे की जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसा हो अगर आपको सारी जानकारी, शेयर्स को कैसे ढूंढना है और उस पर पूरी रिसर्च, एक्सपर्ट लेवल की रिसर्च कैसे करनी है, ये सारी जानकारी अगर आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, एक ही जगह पे, तो हाउ अबाउट दैट, कैसा लगेगा आपको? तो दोस्तों, अगर आपने YouTube पे सैकड़ों वीडियोस देख करके अपना टाइम खराब किया है और आपने हजारों रुपए के हो सकता है कोर्सेज भी कर लिए हो और उसके बावजूद भी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होगा, फंडामेंटल कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लाइव शेयर लेके उसकी पूरी रिसर्च करके बताने वाला हूं और उससे आप बन जाएंगे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। मतलब जो करोड़ों रुपए के पैकेजेस लेके जो रिसर्च करते हैं ना, जो लोग, और आपको बताते हैं कि ये शेयर में ये अच्छा है, ये बुरा है, वो सब कुछ आप एक वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए अगर आप सचमुच में सीरियसली शेयर मार्केट की रिसर्च को समझना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए सही डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक-एक सेकंड को पूरा देखना है। और अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए पैसा बनाने में सीरियस नहीं है, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी छोड़ के आगे चले जाएं, क्योंकि आधा छोड़ने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर मार्केट पे और किसी वीडियो को देखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक वीडियो से मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना दूंगा कि आप फंडामेंटल्स चाहे टेक्निकल्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं चैनल सागरनॉमिक्स और इसमें इतना इंपॉर्टेंट वीडियो जो है एक लाइव शेयर की पूरी रिसर्च का। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझे हम कि एक्चुअली शेयर मार्केट में अच्छा स्टॉक ढूंढा कैसे जाए। तो दोस्तों, 5,000 से ज्यादा जो स्टॉक्स हैं, उनमें पहला काम जो स्टेप नंबर वन है दोस्तों, वो है स्क्रीनिंग की। हमें सबसे पहली स्टेप मैं आपको एक बार नटशेल में बता दूं, फिर हम स्क्रीन पे चलेंगे। तो पहला काम क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें स्क्रीन करके वो शेयर्स निकालने हैं जो शेयर्स हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। फिर उन शेयर्स में से हम एक शेयर लेंगे और उस पे रिसर्च करेंगे, पूरी फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एनुअल रिपोर्ट स्टडी, और वो सब कुछ करके एक नतीजा निकालेंगे कि इस शेयर में कितना दम है और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहना चाहिए कि नहीं। सो दोस्तों, बिना किसी विलंब के लेट्स बिगिन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो और सीधा चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, जहां पर हम पहले स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ आ गए हैं हम एक वेबसाइट पर जिसका नाम है screener.in, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने ये साइट यूज की होगी, और अगर आपने नहीं की है तो दोस्तों आपको ये करके जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बड़ा पसंद है ये, क्योंकि इसमें काफी डिटेल्स आपको मिल जाती है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप अपने शेयर्स को सही ढंग से चूज भी कर सकते हैं। तो शेयर कैसे चूज करना है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे यहां पर स्क्रीन पर और हम यहां करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। जब क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें यहां पर सबसे पहले अपनी क्वेरी डालनी पड़ेगी कि हमें कैसे स्टॉक्स चाहिए। तो पहली चीज, जब मैंने एक पुराने वीडियो में आपको याद हो तो बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी की साइज यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा छोटी ना हो। मतलब अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको लार्ज कैप और बड़ी कंपनी पर ही ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का अर्थ तो आपको पता है ही कि उसमें एक शेयर की कीमत मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट विल गिव यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं कर देता हूं इसको कि मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी 1,000 से ज्यादा। नेक्स्ट एंड एंड मतलब अगला क्राइटेरिया है कि मान लीजिए मैं लेता हूं डेट टू इक्विटी, दिस शुड बी
लेस देन 1.5। फिर एंड, अब मैं ले लेता हूं इसमें नेक्स्ट की पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो शुड बी लेस देन से 20, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट हम इसमें क्राइटेरिया क्या ले सकते हैं दोस्तों, वो ले सकते हैं कि पायोस की स्कोर इज ग्रेटर देन 6। एंड इस तरह से हम बहुत सारी क्राइटेरिया इसमें डाल सकते हैं। दूसरा हम इसमें क्या मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि प्राइस टू अर्निंग हमने ले लिया है, और अब हम ले लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग ये ले लीजिए, और इसको हम कह देते हैं कि शुड बी ग्रेटर देन 70%। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद अब हमने यहां पर ये रन दिस क्वेरी, और ओनली कंपनीज दैट मार्च विद मार्च 23 रिजल्ट्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, रन दिस क्वेरी। तो जब आप ये कंपनी की ये क्वेरी को रन करोगे दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि आपके पास में बहुत सारे शेयर्स की एक लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में हमें हमारे काम के शेयर्स जो है, वो जो हमने क्राइटेरिया लगाया है, वही क्राइटेरिया के शेयर्स नजर आएंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपने 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स में से, शेयर्स में से, उन कंपनीज के शेयर्स छांट के निकाल दिए हैं जिन पे आप फोकस रखना चाहते हो। तो अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो स्क्रीन है इसमें आप यहां जाएंगे, और सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपने इसको सॉर्ट कर देना है। तो आप ये देखेंगे सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप में लाइफ इंश्योरेंस है, LIC ऑफ इंडिया। वैसे नहीं है, बट जो क्राइटेरिया हमने लगाए हैं उसमें फिट बैठने वाली सबसे बड़ी कंपनी ये है। अब आप ये देखेंगे कि इसके बाद में अडानी पावर जो है ना, वो नेक्स्ट है, जो कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों यहां से हम लोग एक सबसे पहला बेसिक रिसर्च शुरू करते हैं, और हमें देखते हैं कि हमें क्या चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी सबसे पहले हमने ले लिया कि यहां पर अगर हम एक एक स्टॉक को रिसर्च करें, तो मान लीजिए हम सबसे पहले नजर डालते हैं किस पर, LIC पर, फिर उसके बाद में अडानी है, फिर NHPC है, जनरल इंश्योरेंस है, मेजागांव है, सन नेटवर्क है, सतलज जल विद्युत निगम है, NLC है, राइट्स है, गोदरेज फिलिप्स है, और बहुत सारी कंपनीज है। अब यहां अगर हम मान लो, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लेता हूं, तो इसकी एक बेसिक रिसर्च करते हैं कि LIC की बात करते हैं। LIC की दोस्तों करंट प्राइस कितनी है, 601.95 रुपीज। मार्केट कैप इन सारी कंपनीज में जो हमने चूज की है उनमें सबसे ज्यादा है। हालांकि मैं पहले आपको एक बात ये जरूर बता दूं कि हमने पूरे स्टॉक्स में से 31 रिजल्ट्स को छांट लिया है। तो बात ये हुई दोस्तों कि हम अब 5,000 कंपनीज पे अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, बल्कि अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ 31 कंपनीज पे जो स्क्रीन करके हमने निकाली है। स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया हम इसके बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के तौर पे हम ये माने कि हमारा सारा फोकस जो है वो आ गया है इस पर, क्यों? क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो कि हमें क्या करती हैं, ज्यादा हमारे टारगेट के हिसाब से फिट बैठती हैं। अब बात करते हैं इसमें कि देखिए, LIC जो है उसकी मार्केट कैप ये है। अब ये है 52 वीक्स से कितना ऊपर आई है, यानी साल भर में ये जो शेयर प्राइस है LIC की, वो सिर्फ 13.5% ऊपर चढ़ी है। मतलब कि साल भर में सबसे कम जो प्राइस गई थी उससे सिर्फ 13% ऊपर है। लेकिन वहीं आप देखोगे तो अडानी पावर की जो प्राइस है वो साल भर में, ये जो साल में सबसे कम प्राइस थी उससे 108% ज्यादा है, यानी करीब करीब डबल हो चुकी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें दोस्तों, तो ये इस कंपनी का 10.9 है, इसका 9.93 है। और आप जानते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन ये एक अकेला फैक्टर नहीं है जिससे आपको सेलेक्ट करना चाहिए स्टॉक्स को, बल्कि आपको और भी चीजें देखनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू दोस्तों क्या होती है, बुक वैल्यू होती है आपकी कि सारी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको जोड़ दो आप, तो आ जाती है बुक वैल्यू। मतलब खड़े खड़े कंपनी को अगर आप नीलाम कर देते हो, तो हर शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर। और उसके मुकाबले में करंट मार्केट प्राइस, यानी अभी की मार्केट प्राइस क्या है, वो है वो जो भी है उससे अगर बुक वैल्यू को से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 8.34 इन केस ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो वो थोड़ा ज्यादा है। बुक वैल्यू दोस्तों
मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू करीब करीब 2-3 इसके आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों उसको अवॉइड करना चाहिए उस कंपनी को। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर देखिए शेयर की जो प्राइस है ना दोस्तों, ऐसे समझिए कि शेयर की प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अगर आपकी प्राइस आपने बहुत महंगी पैसा दे करके और खरीदी है तो उस कंपनी की जो असेट्स की वैल्यू है यानी पर शेयर उसके जितने फिक्स असेट है यानी उसकी नीलाम होने पे जो पैसा शेयर होल्डर को मिलने वाला है वो तो उतना ही रहेगा। अब उसके बदले में आप कितना गुना पैसा दे करके आप कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो सीएमपी अपॉन बुक वैल्यू शुड बी लेस, ये कम होनी चाहिए, 8 है 10 है ज्यादा 20-25 और भी ज्यादा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम इसमें कि अगली जो चीज है वो है दोस्तों क्या, यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट दोस्तों क्या है? डेट होता है कर्जा। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है आपकी जो मार्केट से शेयर्स के रूप में पैसा कंपनी इकट्ठा करती है वो। तो कर्जा जो होता है ना दोस्तों उस पे उसे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ता है, यानी कर्जा जो है वो बैंक वगैरह से या कहीं और किसी से लेते हैं, तो कंपनी जो कर्जा लेगी उसका उसके लिए फिक्स्ड उसकी कॉस्ट आनी आनी है, यानी वो कंपनी चाहे पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए लेकिन उसे अपना इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। इसलिए डेट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी जो आपको हर महीने चुकानी है, तो नीचे इक्विटी है। तो दोस्तों इक्विटी की खास बात क्या होती है कि इस पर कोई खर्चा आपको करना नहीं है, एक बार शेयर होल्डर्स को आपने शेयर बेच दिए उनसे पैसा आ गया आपके पास, फिर आपके जचे जब आप शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना, अदरवाइज मत देना। तो डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 1.5 से कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं कहूंगा कि डेट जितना कम हो या ना हो तो और भी अच्छा है। अब खूबसूरती की बात यह है कि आप ये देखिए एलआईसी के केस में डेट कितना है दोस्तों? जीरो, यानी कि ये पूरी तरह से कर्जे से मुक्त कंपनी है, इसको कोई कर्जे का इसके ऊपर भार नहीं है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे अडानी पावर की, तो अडानी पावर में आप ये देखिए कि इसने 1.42 यानी कि इसके पास अगर 100 रुपए की इक्विटी है तो इसके पास 142 रुपए की बोरोइंग से यानी बैंक से कर्जा ले रखा है। तो इसलिए मुनाफा कमाते ही सबसे पहले इसको क्या चुकाना पड़ेगा? बैंक का कर्जा। तो ये रेशियो कम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। अब प्रमोटर होते हैं कंपनी के मालिक, जिन्होंने कंपनी शुरू करी है, जो लीगल ओनर है कंपनी के वो है प्रमोटर्स। तो उनकी होल्डिंग ज्यादा होने का अर्थ क्या होता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या होता है। क्योंकि अगर कंपनी का जो ओनर है उसके पास शेयर होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी तो उससे उसको कंट्रोलिंग स्टेक उसके पास रहेगा, मतलब उसके पास में कंट्रोल करने की ताकत रहेगी, वो जैसे चाहे वैसे कंपनी को चला सकता है। पर मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 30% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 70% शेयर्स उन लोगों के पास है जो कंपनी के मालिक नहीं है, तो वो जैसा कहेंगे कंपनी को वैसा चलाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होना हमेशा अच्छा है, क्योंकि जो मालिक है जिसने बिजनेस शुरू किया है जिसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक डिसीजंस। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, वो आपने वो देखा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट्स थी उनमें क्या डिफरेंस था? अटल जी वो जो वंडरफुल लीडर, बहुत ही जबरदस्त, मैं कहूंगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं अटल जी, लेकिन बिचारों के साथ में इतनी सारे पार्टियां जुड़ी हुई थी कि अगर वो खड़े होके ये भी कह देते कि हमें जम्मू कश्मीर पर एक दीवार बनानी है ताकि टेररिस्ट नहीं आए, तो वहां पर हंगामा शुरू हो जाता था। कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई रोक रहा है, कोई अगेंस्ट में जा रहा है, कोई कह रहा है मैं गवर्नमेंट गिरा दूंगा। तो दोस्तों हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए इतने लोगों पर डिपेंड रहने का मतलब है कि कंपनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती थी। मतलब अटल जी के केस में उनकी गवर्नमेंट में उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है। तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। तो अगर हम देखें तो एलआईसी के पास प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एलआईसी के पास कितने है दोस्तों? 96.5%, यानी इसने तो कहीं दे ही नहीं रखा किसी को कंट्रोलिंग स्टेक। वहीं पर अगर आप देखोगे तो अडानी पावर्स के पास 74% है, फिर भी अच्छी है। और ये सारा जो हमने क्राइटेरिया लगाया था ना प्रमोटर होल्डिंग को, हमने 75% से ज्यादा रखा था, उसका रीजन भी यही था। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पायोस की स्कोर। ये एक तरीके का ऐसा स्कोर है जो कि आपको ये जितना ज्यादा होता है उतनी ही कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मजबूत होती है कंपनी।
अगला है दोस्तों करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो साल भर के अंदर अंदर काम में आने वाला पैसा है वो हो गया करंट, साल भर के अंदर काम में आने वाले जो एसेट्स है किसी भी रूप में, पूंजी है उनके पास में वो, और जो उनकी देनदारी है यानी कि जो चुकाना है इनको लाइबिलिटीज, वो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में करंट रेशियो आएगा। दोस्तों ये जितना ज्यादा होता है ना उतना अच्छा होता है। अब आप ये देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के पास में, LIC के पास में 3.14 है और अडानी के पास 1.10 है, मतलब इनका लगभग जितना असेट्स उतनी लाइबिलिटीज है करंट में, लेकिन यहाँ 3 गुना असेट्स पड़े हुए हैं, यानी देनदारी सिर्फ 100 रुपए की है और लेनदारी 300 रुपए की है, तो इनके पास पैसा जो है औरों से आने वाला 300 रुपए का आएगा और 100 रुपए इनको किसी को बिजली बिजली के बिल में किसी में चुकाने होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। अब दोस्तों ये जो डेट नेट करंट असेट से इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने ही बनाया हुआ है, ये भी छोड़ देते हैं। अभी फ्री कैश फ्लो पे आ जाते हैं दोस्तों। फ्री कैश फ्लो बहुत जरूरी है। तो कंपनी में फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि आज जैसे मान लीजिए मैंने सपोज करिए एक कंपनी है और उसमें उसने 100 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है। अगर जो वो 100 रुपए वापस जेब में आ गए सीधे की सीधे हाथों हाथ, अगर आज मैंने ये पेन बेचा और ये 100 रुपए मैंने ये पेन दिया और 100 रुपए मुझे साथ के साथ मिल गए, तो मेरे पास में क्या आ गया दोस्तों, कैश फ्लो। तो कैश इनफ्लो हुआ यानी कैश मेरी तरफ आ गया, मेरी जेब में पहुंच गया। वहीं पर अगर मैं क्रेडिट पे माल बेचता हूं तो मैंने ये पेन जब सेल किया तो सामने वाले ने मान लो ये कहा कि मैं आपको 10 दिन बाद में पैसा दूंगा, तो मेरी सेल तो हो गई लेकिन क्या मेरी जेब में पैसा आया? नहीं आया ना। अच्छा अगर मान लीजिए मेरी जेब में पैसा, वो मैंने सेल किया तो आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो मेरा बायर था जिससे मैंने ये पेन जिसे सेल किया था वो 10 दिन बाद पैसे देने वाला है, और मान लीजिए कि उसने वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसकी कंपनी बंद हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे 10 रुपए की जो सेल थी या 100 रुपए की जो सेल थी दोस्तों, वो सेल क्या हो गई, वो हो गई बैड डेट, यानी कि वो हो गई मेरी बेकार, वो पैसा डूब गया। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, और अगर आप इसको रेशियो के रूप में देखें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी ना नंबर्स को आप फिक्स नंबर्स में मत देखिए, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए देखिए अगर कैश फ्लो जो है अगर LIC के केस में देखें तो 59,000 का है, उसके मुकाबले में अडानी के पास में सिर्फ 5,187 रुपए का फ्री कैश फ्लो है। लेकिन जब करंट मार्केट प्राइस को फ्री कैश फ्लो से डिवाइड किया जाता है दोस्तों, तो क्या आता है, CMP यानी करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय आपका जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो क्या होगा दोस्तों, तो हमें कंपैरिजन से पता पड़ जाएगा कि किस कंपनी में कितना मार्केट प्राइस के मुकाबले कितना कैश फ्लो है। तो यहां पर LIC के पास में 6 और अडानी पावर के पास में 12, यानी कि क्या हुआ कि ये मार्केट प्राइस जितनी ज्यादा होगी कैश फ्लो के मुकाबले में उतना ही ये रेशियो बढ़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों रेशियो में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जितना कम होगा तो ये रेशियो बढ़ेगा, या फिर न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा तो भी ये रेशियो बढ़ेगा। अब यहां पर और इसका उल्टा भी सच है कि अगर ये कम होगा या ये बढ़ेगा तो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये ऊपर वाला बढ़ता है और नीचे वाला कम होता है तो रेशियो हमेशा बढ़ेगा। तो आप ये देखिए कि अगर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि LIC के मुकाबले में या तो इसका कैश फ्लो कम है, तो वो तो दोस्तों यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कम तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्राइस है वो इसके मुकाबले में ज्यादा है, मतलब कि कैश फ्लो के मुकाबले में ये 6 गुना रुपए पे मिल रहा है पैसे पे, और ये अपने कैश फ्लो के मुकाबले में 12 गुना प्राइस चुकाने के बाद मिल रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों कि हम ये माने कि फ्री कैश फ्लो जो है, मैं इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार दोस्तों देखिए, रिसर्च है ना, रिसर्च में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च रिसर्च होती है लेकिन उसका फायदा भी मिलता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो बार बार देख करके भी आप कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के अलग अलग करेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई डाउट हो तो मैं हूं ना आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सिंपल। और हाँ दोस्तों, ये सारी नॉलेज के लिए आप ये देख रहे हैं कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितनी एनर्जी लग रही है, तो एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही बनता है, तो वो आप मत भूलिएगा, क्योंकि कोई आपके लिए अगर अच्छा काम करता है
तो उसका शुक्रिया कहने के लिए कुछ ना कुछ करना अच्छा रहता है दोस्तों। तो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया। भैया कैसे लोग हो आप लोग, मतलब अच्छी ज्ञान की चीजें मिले वो तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, और जो आलतू फालतू की वीडियोस भेजते रहते हैं, कोई हंसी मजाक हंसी ठिठोली जिनका आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको आप धड़ाधड़ सब्सक्राइब करते रहते हो और लाइक करते रहते हो। भैया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, उंगली उधर लेके जाइए सब्सक्राइब बटन पे। हेलो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ भाई। आप इतने अच्छे समझदार व्यक्ति हैं जो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आप चाहते हैं जिंदगी में सही ढंग से रिसर्च करके सही शेयर में सही पैसा लगाया जाए, है कि नहीं है? या नहीं है, सही है ना? तो अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, ये उंगली लेके जाइए वहां पर बटन दबाइए और साथ में वो घंटी बनी हुई ना उसको भी दबा दीजिए, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये यहां पर आपका है फ्री कैश फ्लो। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो है आपका आगे वाला जो रेशियो है उस पर बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो फॉर थ्री इयर्स, तो आप ये देख सकते हैं कि थ्री इयर्स का जो कैश फ्लो है वो कितना आ रहा है और उसके मुकाबले में वन ईयर में कितना आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये मल्टीप्लाई बाय थ्री हो रहा है सभी केसेस में, तब तो ये सेम है। अगर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों कि स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करते हैं। अब इसके बाद में आप चाहे तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि नीचे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप ये देखिए किसी को भी स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है? आप अगर ये क्वेरी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो कि यहां पर मान लीजिए आप कहते हैं कि आपको प्रमोटर होल्डिंग मान लीजिए 50% ही चाहिए तो 50% ले लीजिए, और इसके बाद में आपको और कुछ भी चाहिए मान लीजिए आप ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि करंट मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, ये आप चाहते हैं कि लेस देन 5 हो, लेस देन 5 हो, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अब इस क्वेरी को हम दोबारा से रन करते हैं, तो अब कितने रिजल्ट्स रह गए दोस्तों? अब रिजल्ट्स रह गए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 14 रिजल्ट्स रहे हैं, जिनमें वो सारी कंपनी चाहिए। और देखिए खूबसूरती की बात कि अब यहां से कौन सी गायब हो गई है, यहां से दोस्तों LIC चली गई है, LIC यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही थी। तो वो क्यों गायब हो गई? वो इसलिए गायब हो गई क्योंकि हमने यहां पे डाल दिया करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना डाला है हमने, 5। और उनका तो आपको पता ही है कि उनका कितना था, उनका 8 और 12, LIC का 8 था और जो अडानी सर थे उनका जो है 12 था, तो वो भी हो गई गायब। तो अब कंपनियां चेंज हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों हम सबसे पहली जो स्टेप है शेयर मार्केट में रिसर्च करने में वो ये है कि हम कंपनीज को स्क्रीन करके और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उनको इकट्ठा कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप जरूर पूछिए मुझसे, और अगर नहीं है तो हम अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और वो है स्टॉक की रिसर्च कैसे की जाती है, इक्विटी की रिसर्च कैसे की जाती है उस पर। सो लेट्स बिगिन दैट पार्ट। सो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आपको आगे बढ़ने से पहले कि आप ऐसे पानी का ग्लास या कॉफी या कुछ साथ में रख करके बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में ना मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं तो एक गाइड के तौर पे, एक एक्सपर्ट के तौर पे आपकी हेल्प करूंगा, चीजें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा, बट उसको सीखने और समझने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे इस वीडियो में ना पूरा टाइम दीजिए और इसको कई बार देखना है आपको, क्योंकि एक बार में ना मुश्किल चीजें समझ नहीं आती है। तो पर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप फंड मैनेजर से ज्यादा, मतलब फंड मैनेजर से ज्यादा भी नहीं तो फंड मैनेजर के लेवल तक की सोच आपकी डेवलप हो जाएगी अगर इस वीडियो की हर चीज को आपने ढंग से फॉलो किया। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और वो सेक्शन है आपका इक्विटी रिसर्च का। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने 5000 स्टॉक्स में से कौन से वो 15-20 स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट कर लिया। अब उनमें से किसी एक स्टॉक को हम लेके पूरी रिसर्च उस पर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी हम ये तो क्योंकि हमने एक आपको दिखाने के लिए बनाई हुई थी, तो इसमें से नहीं बल्कि हम कोई सा एक दूसरा स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक जिससे शायद आपको भी फायदा हो सके उसकी रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लेने वाले हैं आज
डीमार्ट को। अब आप पूछेंगे कि साहब डीमार्ट में ऐसी क्या खास बात है, तो वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीमार्ट जो है उसका शेयर मार्केट में नाम डीमार्ट नहीं है, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट्स। तो दोस्तों ये जो चीज है ये आपके एवेन्यू सुपरमार्केट्स का जो शेयर है वो आपके सामने है। तो स्क्रीनर पर हमने क्या किया, हमने एक शेयर यानी कि डीमार्ट का नाम लिखा और एवेन्यू सुपरमार्केट्स हमारे सामने खुल गया। अब बात यह है कि यही स्टॉक क्यों रिसर्च कर रहे हैं, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि धामानी जी, मुझे थोड़ा सा वैसे भी उनका मैं फॉलो करता आया हूँ, राधा किशन धामानी जी जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, और वो जो राकेश झुंझुनवाला जी थे, झुंझुनवाला जी भी, राकेश जी भी इनको गुरु मानते थे, जो डीमार्ट के चेयरमैन है मिस्टर राधा किशन धामानी, और पूरे शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से उनसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान आपको कम ही मिलेंगे। वो एक तरीके के ऐसे वॉरेन बफेट से भी ज्यादा मान लो आप इंडिया में उनको, क्यों? क्योंकि वो एक वैल्यू इन्वेस्टर है और उन्होंने ही बहुत पैसा कमाया है इसमें। राजस्थान के एक बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी कंसिस्टेंट मेहनत और सबसे बड़ी बात है रुपए पे बिल्कुल सही पकड़ और वैल्यू इन्वेस्टिंग की गहरी नॉलेज के दम पे उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्टैंड हासिल किया है, और फिर उन्होंने अपनी खुद की एक रिटेल चेन खोली है, वो भी दोस्तों बरसों तक इंतजार और रिसर्च करने के बाद। वो तब तक बिजनेस में नहीं आया जब तक उन्होंने एक एक बारीकी नहीं पकड़ ली। वॉलमार्ट के साथ में भी उन्होंने बहुत दिनों तक रिसर्च की थी और तब उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की, जिसका शेयर आज 3,500 रुपए के आसपास चलता है। सो दोस्तों ये है आपके सामने डीमार्ट। अब आप कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं, मेरा ये मत मानिएगा कि मैं आपको डीमार्ट के लिए आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं या कुछ दे रहा हूं, नहीं, ये टिप ना होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले देते हैं और वहां वही दी जाती है। तो अगर मुझे टिप देनी होती है ना दोस्तों, तो मैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जब डिनर करने जाता हूँ तो वहां होटल में टिप दे देता हूँ, और मेरे ख्याल से ना आपको भी ऐसी जगह पर टिप देनी चाहिए, और टिप लेनी तो कभी भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए अगर आप होटल व्यवसाय में नहीं हो तो, क्यों? क्योंकि टिप्स तो वहीं के लिए होती है। एनीवेज सीधे बात करते हैं इस पर एवेन्यू सुपरमार्केट्स का बिजनेस मॉडल पे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों हम सबसे पहले करने के लिए यहां से शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि स्टॉक जो है ना क्या 52 वीक नियर के आसपास में है, तो साल भर में जो प्राइस सबसे कम रही हुई होती है किसी स्टॉक की, अगर उसके आसपास में कोई शेयर होता है तो इसका मतलब ये कि उसमें अपसाइड की काफी स्कोप है। लेकिन अगर आपने शेयर ऐसे टाइम पर लिया हुआ है जबकि वो ऑलरेडी ही उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको उस पे कितनी बढ़ेगी उसकी कोई चांसेस नहीं होते हैं, पता नहीं होता उसका। लेकिन अगर वो बिल्कुल अपने 52 वीक के आसपास से ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव साइन मानना चाहिए। तो अब हम ये देखें कि इस शेयर में 52 वीक लो कितना गया है ये, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहां है, ये रहा 52 वीक लो एंड हाई, तो यानी कि ये शेयर जो है साल भर में गया है दोस्तों कितना, 3,292 रुपीज तक, 3,292 तक, ये है आपका 3,292, और हाईएस्ट कितना गया 4,609, तो 3,200 से सिर्फ 400 रुपए ऊपर आई है। यानी कि 52 वीक अगर हम लेते हैं तो 52 वीक लो से कितना ऊपर है दोस्तों, उससे ये मान करके चलिए 400, तो 400 डिवाइडेड बाय आप मान लो 3,200, तो करीब करीब 1/8, ठीक है 1/8 ऊपर है, यानी कि करीब करीब 12-15% के आसपास में ऊपर है, विच इज गुड। और बाकी डिटेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये, हाँ ये देखिए ये एवेन्यू सुपरमार्केट जो है ना ये कितना ऊपर है 52 वीक से 10.33% ऊपर, विच इज गुड। और इस इंडस्ट्री के बाकी सारे शेयर बहुत ऊपर आ चुके हैं, कोई 40% ऊपर है, कोई 80% ऊपर है, सिर्फ वीमार्ट को छोड़ करके जो छोटी सी कंपनी है। बट अब बात करते हैं, तो पहला काम हमने क्या देखा, हमने कहा पहली चीज कि ये आपको 32 वीक जो है उसके, सॉरी 52 वीक के आसपास में है, सो हम इसे मार्क्स देंगे दोस्तों 3। हमने यहाँ पे क्या रखा है, -3 to +3, इसमें हमने एक रैंकिंग रखी हुई है कि अगर कोई फैक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसे +3 देंगे, और अगर कोई हमें बहुत नेगेटिव महसूस होता है तो हम -3 देंगे, और जो बिल्कुल न्यूट्रल है उसको 0 देंगे। तो यहाँ पर ये बात सही है कि ये क्या है स्टॉक मार्केट में कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 3, तो सॉरी मैं स्कोर दूंगा इस साइड में, और यहां मैं लिख देता हूं कि ओनली 10% अबव 52 वीक लो,
ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव चीज हो गई। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम, ये नीचे वाली लाइन में आएगा यहां पर, एक सेकेंड ना। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें देखना होगा कि क्या कोई तरीके की कंट्रोवर्सी या लॉ सूट या कोई भी तरीके की वाद विवाद इस कंपनी पे चल रहा है। क्या ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज है जिसने इस कंपनी को ढक रखा है और इसकी प्राइस को गिरा रखा है, तो वो अच्छा मौका है, होता है किसी कंपनी को खरीदने का। तो इसके बारे में न्यूज कहाँ देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में सीधे चलते हैं न्यूज सेक्शन में, कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगी आपको। देखिए अनाउंसमेंट्स हो गए, यहाँ कुछ इनकी बाकी डिटेल है, और वैसे आप चाहें तो इसकी न्यूज यहां पर भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए डी मार्ट न्यूज, ये डी मार्ट की कोई न्यूज आ गई कि इन्होंने इतना परसेंट राइज किया। अब इसकी जगह अगर आप ये डालते हैं मान लीजिए लॉ सूट कि एवेन्यू सुपरमार्केट पर, हाँ देखिए लॉ सूट मतलब इसमें कोई पेनल्टी वेनल्टी लगी हुई है क्या। तो हमें पकड़ में आया कि हैदराबाद हाईकोर्ट स्लैप्स डी मार्ट विद 1500 रुपीज पेनल्टी फॉर समथिंग। तो अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी पेनल्टी 5 मई को इनके उस पे लगी है, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी सारी चीजें देखनी चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में शामिल है, ये क्या कोई विवाद इस पर चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो हमने देखा वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा मोटा कोई इशू है तो हम इसको मान सकते हैं -1, इससे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि और उसका रीजन भी हम यहां लिख सकते हैं कि भाई स्मॉल लॉ सूट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि पीई देखो, और पीई कब का देखो, पीई देखो 3 साल का, और वो देखो कि क्या वो लेस देन 15 है। तो वहां चलते हैं सीधे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें देखना कि 3 इयर्स में इसमें कहां है। ये देखिए तो 3 साल का जो पीई है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉर 3 इयर्स दोस्तों वो है 108, यानी कि 3 साल में इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 108 था, और अभी कितना हो गया, अभी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 99%। अब देखिए दोस्तों प्राइस टू अर्निंग ये रेशियो अब ज्यादा और कम, अगर प्राइस ज्यादा है तो भी ये रेशियो बढ़ेगा, या फिर अर्निंग कम है तो भी ये रेशियो बढ़ेगा। अब अगर ये रेशियो लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हो रहा है, मतलब 3 साल के एवरेज के मुकाबले में कम है, तो हम ये माने कि कम होने, ये कब कम हो सकता है कि या तो प्राइस कम हो जाए या फिर अर्निंग्स बढ़ जाए तभी ये रेशो कम होगा। तो अब हम देखें कि इसमें हुआ क्या है, तो अब हम देखें कि इसके डिटेल्स में जाते हैं और यहां देखें दोस्तों ये देखिए। तो अब हम देखें कि प्राइस जो है ना वो क्या हो रही है। तो जैसा मैंने कहा था देखो दोस्तों अर्निंग्स तो बढ़ रही है इसकी और प्राइस हो रही है कम। आप खुद देखिए कि ये जो है ना ये नीले नीले डंडे जो बने हुए हैं दोस्तों ये है अर्निंग्स, ये तो ऊपर जा रही है यानी कि अर्निंग्स आर राइजिंग, ठीक है। और प्राइस जो है वो जा रही है आपकी नीचे, तो प्राइस इज गोइंग डाउन। तो इसका मतलब मैं जो कह रहा था वही हुआ ना कि प्राइस टू अर्निंग, इसमें से प्राइस नीचे जा रही है जबकि कंपनी की कमाई बढ़ रही है। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी वेरी गुड कि कंपनी की कमाई बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी पैसा, मतलब लोगों ने इसको ओवरलुक कर रखा है, इस पे ध्यान देना बंद कर रखा है जिससे कि इसकी प्राइस नीचे जाती जा रही है। तो दोस्तों ऐसी रीजनिंग हमें जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। तो हम इसे कहेंगे कि इसको हम दे सकते हैं 2 दे देते हैं, 3 भी नहीं क्योंकि 3 जैसा कोई काम ऐसा अभी है नहीं, और भी बहुत से रेशियोज हैं। तो हम ये कह दें इसमें कि ईपीएस इज राइजिंग, या मैं कहूंगा अर्निंग इज राइजिंग ग्रोइंग व्हाइल प्राइस डिक्लाइनिंग। तो जिसकी वजह से पीई रेशियो जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है आपका लगातार कम। नेक्स्ट उस पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात क्या है वो ये है करंट रेशियो की बात कर लेते हैं। अब करंट रेशियो जो है वो दोस्तों क्या है, वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसकी खास बात क्या है कि ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1.5। एंड यूटिलिटीज वाली कंपनी में थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे कोई गैस बनाने वाली या कोई
इलेक्ट्रिसिटी की उस टाइप की कंपनीज में, बट हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि इसका कितना है। तो हम आते हैं यहाँ और देखें करंट रेशियो, तो यहाँ आप अगर देखते हैं दोस्तों तो करंट रेशियो रहा यहाँ पर 3.71, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज 3.71, विच इज गुड। हमने तो कहा था कि 1.5 से ऊपर होगा तो भी चलेगा, लेकिन 3.71 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इनका रेशियो 3.71 है। यानी अगर इस कंपनी की लाइबिलिटी 100 रुपए की है तो इसके पास इसके मुकाबले में जो लेनदारी है, मतलब ये तो देने वाला पैसा हो गया देनदारी, और लेनदारी मतलब जहां से पैसा आएगा वो है 371, यानी 371 रुपया इस कंपनी के पास में आएगा और 100 रुपया इसके पास से जाएगा एक साल के अंदर अंदर। ये है करंट रेशियो का मीनिंग। तो इसका मतलब दिस इज अ गुड पोजिशन कि आने वाला पैसा इज ज्यादा, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ गुड थिंग, विच इज इसको मान सकते हो आप 3 पूरा दे दो, क्योंकि ये बहुत सॉलिड पोजीशन है इसकी। तो हम कह रहे हैं कि इसमें करंट रेशियो इज 3.71। तो दोस्तों मैं कर क्या रहा हूं दोस्तों कि इस तरह से ये पूरी शीट हमने जब कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद हम टोटल स्कोर करके देखेंगे कि क्या स्कोर आता है, और उसके बेसिस पर हम दिमाग लगाएंगे कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, वो है डेट अपॉन, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इन बाकी कॉलम्स को मैं यहां से हाइड कर देता हूं ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। देखिए मैं ना इसी तरह से रिसर्च करता हूं दोस्तों पूरा, और अच्छी अच्छी कंपनीज आपके सामने दिख रही होंगी आपको, उन सब में रिसर्च करके और पैसा डाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वो है डेट टू नेट करंट एसेट्स। अब बात यह है कि ये और ये होना चाहिए लेस देन 1.1, तो पहले ये समझें कि है क्या चीज। तो देख लेते हैं यहां पर दोस्तों, डेट टू नेट करंट असेट्स। अब करंट असेट्स क्या होते हैं दोस्तों, करंट असेट्स हमारे होते हैं जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें जो मौजूद एसेट्स होते हैं जो साल भर की मियाद के होते हैं, दे आर नोन एज करंट असेट्स। तो यहां पर जो करंट असेट्स है वो आपको दिख जाएंगे इसमें, यहां पर ये दोस्तों करंट एसेट्स हैं जो कि आपको विद इन 1 ईयर आपको जो है वो काम में आ जाएंगे, पर हमें देखना है कि डेट टू नेट करंट एसेट्स वाला रेशियो इसमें कहाँ है। ये रहा दोस्तों, ये है डेट टू नेट करंट एसेट्स एंड दैट इज 0.16, और होना कितना चाहिए, होना चाहिए आपका 1.1 से लेस, विच इज ट्रू। सो दैट इज 0.16 विच इज लेस देन 1.1, तो ये बहुत अच्छा चीज आ गई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट कितना है ये वाला रेशियो और क्यों है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट अपॉन नेट करंट असेट्स का मतलब हो गया कि डेट कम है और करंट असेट्स ज्यादा है, क्योंकि अगर डेट ज्यादा होता है यानी कर्जा ज्यादा होता है तो जो देने की जो देनदारी है वो ज्यादा होती है। तो हम इसमें क्या दे देंगे, हम इसको कह देंगे कि दिस इज अ गुड, सो लेट्स टेक इट 3। अब बात आती है नेक्स्ट, प्राइस टू बुक इंटू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये कितना है दोस्तों और ये कितना होना चाहिए, ये नॉर्मली 30 से नीचे रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, बट लेट अस सी कि हमारे केस में कितना है। तो पीई इंटू पीबी इसमें मैंने नहीं डाल रखा है शायद, तो हम वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। देखिए प्राइस टू बुक कितना है 14.6 और प्राइस टू अर्निंग कितना है 99.3, सो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइनटीन पॉइंट थ्री और 14.6, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 19.3 मल्टीप्लाइड बाय ना 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 99.3 मल्टीप्लाइड बाय कितना था 14.6, क्या हो रहा है ये, तो दोस्तों ये तो 15 1450 पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा है ये, तो ये एक नेगेटिव चीज है इसकी।
तो हम इसको मान लेते हैं कि विच इज वेरी हाई, सो हम इसको सीधा सीधा -3 दे देते हैं क्योंकि विच इज वेरी हाई। अब अर्निंग स्टेबिलिटी, अर्निंग स्टेबिलिटी 10 साल की देखनी है और हमें देखना है कि कोई भी डेफिसिट नहीं हुआ हो लास्ट 5 सालों में। तो हम चल के देखते हैं कि इसकी क्या अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कि इसका प्रॉफिट क्या 10 सालों से ग्रो कर रहा है। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और वो भी कौन सा वाला, ईयरली वाला, ये रहा। तो देखो देखो दोस्तों, अब हम अगर इनकी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ था, ये कौन सा ईयर है, ये है आपका मार्च 12, 2012 में 60 करोड़, फिर 2013 में आपका 94 करोड़, फिर 161, फिर 212, फिर 320, 479, 806 वगैरह वगैरह होते 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 1479, 92 और 2378। इसका मतलब इनका प्रॉफिट लगातार ऐसे ग्रो करता रहा है। सो अर्निंग स्टेबल भी है, इसमें कहीं पर भी एक भी जगह लॉस नहीं है दोस्तों। आप देख लो, एक भी जगह माइनस लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये टोटली 10 साल से प्रॉफिटेबल है ये कंपनी, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हम इसको दे सकते हैं पूरा 3 मार्क, नो लॉस एंड ग्रोइंग प्रॉफिट। सो इसको दे दो आप 2 या 3 में से, आप दे सकते हो 3 दे दो, अच्छा है। डिविडेंड रिकॉर्ड, डिविडेंड दोस्तों क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो डिविडेंड एक्चुअली आपको तब देती है रिटेन अर्निंग में से। कंपनी ने सेल करी, सेल के बाद में पैसा आया, उस पैसे में से सबसे पहले सारे खर्चे चुका दिए, एक्सपेंसेस सारे चुका दिए, फिर जो पैसा बचा उसमें से वो क्या करेंगी कि कुछ पैसा अपने पास रखेंगी और कुछ पैसा वो शेयर होल्डर्स में बांट देंगी डिविडेंड के तौर पे, जिसे हिंदी में कहा जाता है लाभांश, यानी लाभ का अंश, यानी प्रॉफिट का हिस्सा, तो वो शेयर होल्डर्स को देती है। अब जो ईमानदार अच्छी और मेहनती कंपनियां होती है वो आमतौर पे डिविडेंड देती है, जो काफी ट्रेडिशनल तरीके से चलती आई है वो जरूर डिविडेंड देती है। जैसे आप पुरानी कोई भी कंपनी उठा लो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ले लो, या आप SBI ले लो, या इस टाइप की कंपनीज ना नॉर्मली डिविडेंड देती रहती है। लेकिन यहाँ पर राधा किशन धामानी जी जो है उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है, और ये उनका लॉजिक बहुत क्लियर है इसमें। ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई वो शेयर होल्डर्स के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम ग्रोइंग फेज में, यानी हम बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो इस टाइम हमारी कंपनी क्योंकि कम मार्जिन पे काम करती है तो हम कुछ समय तक पैसा बिजनेस में ही लगा करके और उसे ग्रो करना चाहते हैं, जिससे हम शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में दे सके। तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने ग्रोथ जो है इनकी, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। तो आप ये देख सकते हो कि डिविडेंड पे आउट कहाँ कितना है, ये 0 है, आर पार तक पूरा का पूरा 0। तो इसलिए हम इस कंपनी को तो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि ठीक है इन्होंने नहीं दिया, बट आम तौर पे अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो उसके हमें ज्यादा बड़ा नेगेटिव मानना चाहिए। सो नो डिविडेंड, पर चाहे कंपनी कैसी भी हो दोस्तों, न्याय तो सबके साथ न्याय होता है, तो हम इन्हें देंगे -1, हम इन्हें 0 नहीं देंगे, चाहे इनका लॉजिक कुछ भी हो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एक्विटी ग्रोथ। तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ को हम देख लेते हैं कितनी है, उसको देखने के लिए हम देखेंगे ये, यहाँ पर ये रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए 10 साल में जो इक्विटी है वो 14% ग्रो की है, 5 साल में 14%, 3 साल में 13% और पिछले साल 16%। इसका मतलब कि इक्विटी पर जो, यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा डाला है उस पे जो इनका रिटर्न आ रहा है वो 10 साल पहले के हिसाब से 14% था, फिर कम हुआ और लास्ट ईयर ये 3% से बढ़ा है। तो हम ये कहेंगे कि ये करीब करीब हेल्दी ही है एक तरह से। हालांकि जो 30 से 35% रिटर्न देती है वो तो नहीं है, बट इट इज ओके काइंड। तो हम ये कहते हैं कि हम 14% विच इज स्टेबल, तो हम इसको 0 मान लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इसकी बैंकिंग जो है, आपकी जो रैंकिंग है वो कैसी है। तो अब हम चलते हैं रैंकिंग पे। तो रैंकिंग से दोस्तों क्या होता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है उसके हिसाब से जो रेटिंग एजेंसीज है वो कंपनी को रैंकिंग देती है। तो उसके बारे में हम नीचे चल के देखते हैं। तो AA+ या AAA, ये रैंकिंग्स हमेशा अच्छी होती है, और जो C या इससे नीचे की रैंकिंग्स वो खराब होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर
तो आप रेटिंग अपडेट जो है उसको एक बार देख लेते हैं कि इनको रेटिंग क्या मिली हुई है। तो क्रिसिल ने 27 अप्रैल को इनको क्या रेटिंग दी है, इन्होंने कहा है कि ये है AA+, यानी विच इज गुड, पॉजिटिव है। और आउटलुक जो है उन्होंने कहा है कि स्टेबल कंपनी माना जाता है इसको, यानी ये कंपनी मजबूत है, सुरक्षित है उनके हिसाब से, तो दैट इज गुड। तो हम डालते हैं AA+ है इनको, और वो एक बड़ी अच्छी बात है, तो हम इसको दे देते हैं 2 मार्क्स, क्योंकि ट्रिपल ए होती तो हम इनको 3 मार्क्स देते हैं। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है कि क्या ये कंपनी लार्ज है। सो टोटल एसेट्स जो है, या आप सेल्स ले लो या मार्केट कैप ले लो, तो कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कहाँ पर स्टैंड करती है। तो इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर है इनका पूरा का पूरा इंडस्ट्री का पीयर कंपैरिजन। अब पीयर का मतलब होता है दोस्तों अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बाकी कंपनीज है उनसे इनका कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर मार्केट कैप डीमार्ट की है इतनी, कितनी है ये दोस्तों, ये है 2,36,222.23 करोड़, यानी 2,36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इससे ठीक नीचे जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, उसकी मार्केट कैप कितनी है, सिर्फ 56,821 करोड़। इसका मतलब कि दूसरी कंपनी की अगर डीमार्ट की साइज ये है, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी साइज ये है। इसका मतलब इधर मान लीजिए आपने हल्क खड़ा कर दिया है, और इस साइड में आपने कोई साधारण सा व्यक्ति जो है मिस्टर कोई भी ABC को खड़ा कर दिया है आपने, किसी को भी खड़ा कर दिया, मान लीजिए मिस्टर ए है, इनको खड़ा कर दिया है जिसकी साइज इतनी सी है। तो दोस्तों ये क्या उखाड़ पाएगा इसका, या क्या कुछ बिगाड़ सकेगा, नहीं ना। तो इससे फायदा क्या है कि ये कंपनी लीडर है अपने मार्केट के अंदर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कंपनी अगर कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा बड़ी है तो उससे एक बड़ी अच्छी बात बनती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक मोट। और इकोनॉमिक मोट वो चीज है जो किसी भी कंपनी को बहुत बड़ी पावर देती है। वॉरेन बफेट साहब जो इन्वेस्टमेंट के गुरु रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक मोट पे बहुत ध्यान दिया है, ऐसी कंपनियां जिनमें कंपटीशन को से बचने की और उनको पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता हो, दैट इज मोट। वो कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के ब्रांड्स हो सकते हैं, वो कंपनी की R&D फैसिलिटी हो सकती है, वो उसके इम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो उसका प्रोडक्ट हो सकता है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली चीजें होंगी जो कंपनी को यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है। तो आप ये देखेंगे कि डीमार्ट स्पेशल है, क्यों, क्योंकि उसके मुकाबले में कॉम्पिटिटर्स की कोई वक्त नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स है। देखिए आप, तो दैट मीन्स की विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग कि क्या कंपनी लार्ज है, तो हम कहेंगे यस। ठीक है, और कितनी लार्ज है कि 10 गुना से भी ज्यादा लार्ज है नेक्स्ट वाली से, अपनी जो अगला कॉम्पिटिटर है उससे। तो ये इसके लिए हो गया 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है, क्या ये प्रोमिनेंट है, यानी कि इंडस्ट्री में ऊपर के 1/3 हिस्से में आती है क्या, 10 कंपनियां हो तो उनमें शुरू की 3 कंपनियों में क्या इसकी रैंकिंग है, तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर 1 है, नंबर 12 हो गया जबरदस्ती। और कुछ ना कुछ तो आप सोच ही रहोगे, बोर हो रहोगे, इसलिए 1 की जगह 2 टाइप हो जाता है मुझसे, बोर हो रहे हो तो भैया अभी ऐसा जाना नहीं कहीं पर, या एक काम करो वीडियो ब्रेक करो, मतलब इसको पॉज करो, आराम से कुछ चाय पानी वगैरह पी के आओ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके दोस्तों से परिवार वालों से थोड़ी गप्पे लड़ा लो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, एंड देन वापस आ जाइए, क्योंकि पिक्चर अभी क्या है, बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि क्या कंपनी पे ज्यादा कर्जा तो नहीं है कहीं, बहुत ज्यादा कहीं लोन हो, बहुत महंगी कंपनी हो, ना ना ना, कर्जे से दूर रहना। मारवाड़ी में तो यही कहते हैं कि भैया कर्जा नहीं होना चाहिए सिर पर, ठीक है। तो इसलिए हम ये देखें, आपने वो भी सुनी है ना कि रहीमत भीख ना मांगिए और बिन मांगे सब सुन, कुछ ऐसा था, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मेरी हिंदी की नॉलेज ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मांगन से मरना भला, कि किसी से कर्जा मांगने से अच्छा आदमी मर जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि डेट तो नहीं है ज्यादा कंपनी पर, क्योंकि डेट वाला क्या हो जाता है, कर्जदार, हमें कर्जदार कंपनियां नहीं चाहिए। तो यहाँ डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए लेस देन 1.5। तो हम जरा देखते हैं डीमार्ट का क्या हाल है भैया। तो डीमार्ट का दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो है
कितना है कितना है कितना है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, डेट टू नेट करंट असेट्स तो हो गया आपका 0.16, तो ये यहां दिख जाएगा अपने को, ये रहा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है दोस्तों, बस 0.04, ऐसा कसा का है, बस इतना सा। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो 1.4 तक भी मानने वाले थे, पर दामानी जी ने तो 0.14 रखा हुआ है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग। कितना है जी डेट टू इक्विटी रेशियो, इट इज 0.4। कंपनी पर कर्जा ही नहीं है जी, मारवाड़ी है सब, तो कर्जे से दूर रहते हैं वो, क्योंकि पुरानी फिल्मों में देखा है ना आपने, कर्जा लेके लाला पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बना लेता था। धामाने जी अच्छे से जानते हैं कि कर्जे से दूर रहना है, तो यहां पर कर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई 110% ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वॉरेन बफेट की बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे वो ध्यान देते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, इसको कलर भी कर देता हूं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब दोस्तों, पहले तो हम समझ लें कि ये होती क्या है और फिर हम ये देखें कि इसको निकालेंगे कैसे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे आपने ये देखा होगा कि जो जो लक्ष्मी जी की मूर्तियां अगर आपने देखी हो पुराने जमाने में, जो पहले की मूर्तियां होती थी, तो आप ये देखोगे कि उनका जो पैर है वो एक सॉलिड आसन से जुड़ा हुआ रहता था। मतलब कुछ केसेस में तो दोनों के बीच में एक चैन बनी हुई रहती थी। क्यों रहती थी ऐसी? क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी चंचला है, यानी वो एक जगह टिकती नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास गई, मतलब लक्ष्मी मतलब पैसा, रुपया पैसा। कहते हैं ये बहुत चंचल है, ये एक जगह टिकती नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि लक्ष्मी जी को अगर आपने एक चैन से किसी जगह से जोड़ दिया, तो वो चैन उनको दूर नहीं जाने देगी। इस विश्वास के तहत इस प्रकार की छोटी सी जंजीर जैसी उसमें रखी जाती थी मूर्तियों में। तो दोस्तों वो जो चीज है जो छूट के नहीं जाने दे रही है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक जब बच्चा एक बच्चे को बैलून देते हैं, तो बैलून ना एक रबड़ के या धागे के उससे जुड़ा रहता है जिसको हाथ में पकड़ा रहता है। तो बैलून यहाँ है, बच्चे का हाथ यहाँ है, लेकिन बीच में एक जो चीज है, वो जो धागा है, वो उस बैलून को हीलियम वाले को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, बल्कि रोक के रख रहा है। सो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्टॉक मार्केट की बात करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर, उसकी एक्चुअल जो नेट असेट वैल्यू आती है या उसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उससे भी कम में खरीद लिया है, तो आपके पास में दोस्तों क्या आ गया है, आपके पास में आ गई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक गैप आ गया है कि भाई आपने मान लीजिए एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदा है जिसके सारे एसेट्स को जोड़ के पर शेयर वैल्यू 100 रुपए आती है, और मार्केट में नेगेटिव न्यूज के चलते उसकी प्राइस आ गई 70 रुपए। तो अब बचा हुआ 30 रुपया जो है वो कंपनी के एसेट्स में तो है, उसके पास उसकी पूंजी तो है, लेकिन आपको वो 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आपने जब उसको खरीद लिया तो आप टेंशन होकर के चद्दर ओढ़ के सो सकते हो आराम से। क्यों सो सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि कंपनी को खड़े करके भी हाथों हाथ बेच दिया जाए तो भी 100 रुपए आपकी जेब में आने वाले हैं। अब प्राइस कहीं भी जाओ, आपको क्या करना है। सो दोस्तों वो चीज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उसको निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर उनमें से एक तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं स्क्रीन पर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें हमें हमें देखना है पीई रेशियो का उल्टा। पीई रेशियो का उल्टा दैट इज कॉल्ड अर्निंग टू प्राइस रेशियो। ठीक है, अब उल्टा कैसे निकालेंगे भैया? सीधी बात है, पीई रेशियो को उल्टा कर दो, ऐसे पांव ऊपर और सिर नीचे। यस, आप कह रहे सब क्या मजाक कर रहे हो, मजे ले रहे हो आप तो, बीच में ये स्टॉक मार्केट रिसर्च पढ़ाते पढ़ाते क्या करने लग गए। तो दोस्तों हकीकत में ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। नेक्स्ट, उसमें से आप माइनस कर दो बॉन्ड रेट, यानी इस टाइम पर जो जो बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स की जो पीएलआर है, जो रेट है, जो डेट की रेट है, उसमें से माइनस कर दो। अब आज की अगर मैं बात करूं तो इस सबसे पहले तो इसका ईपी रेशियो निकालते हैं। तो ईपी रेशियो कितना होगा? पी रेशियो का उल्टा। ये पी रेशियो ऐसा है ना, तो ईपी रेशियो ऐसा। ठीक है, तो पी रेशियो कितना है जी इसका? ये है 99.3। ठीक है,
अब ईपी रेशियो निकालें तो इसका उल्टा कर दो। कैसा करना, कैसे करना है देखो, इसको उल्टा करने के लिए 1/ ये डाल दीजिए दिस, तो कितना आ गया जी ईपी रेशियो? ईपी रेशियो इज 0.01, यानी 1%। अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म में निकालूंगा कितना आएगा जी? 1%। अब इस 1% के मुकाबले में अब आप निकालिए कि इस टाइम पर आपकी बॉन्ड रेट क्या है, अभी कितनी चल रही है बॉन्ड रेट? तो बॉन्ड रेट चल रही है 7%। ठीक है दोस्तों, सो 7% हो गया उधर। तो अब जरा हमारी वैल्यूज को इसमें डालें, तो हम कहें ईपी रेशियो कितना था? 1%। इसमें से कितना निकालने का है? 7%। कितना आ गया? 6%। 6% क्या आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव? यह आया नेगेटिव, -6%। इसका मतलब कि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, यानी ये अभी भी महंगा है। तो आप इसको डाल दो दिस -3। किसने परसेंटेज किया भैया इधर? हमें तो नंबर चाहिए सिंपल फॉर्मेट में। आप जाओ नंबर डालो इधर, सिंपल नंबर बस, और क्या। इसको -3 कर देते हैं हम बस, ठीक है। तो दोस्तों ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी डीमार्ट के स्टॉक में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये कैसे निकालेंगे? अपने को क्या करना है, निकली निकलाई पड़ी हुई है। हम तो बस ये देखेंगे कि लेस देन 7 to 10% होनी चाहिए, या फिर ओनर्स अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल। तो अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने से अभी वीडियो बहुत लंबी, पूरा दिन भर की हो जाएगी। लेट्स लीव इट, हम आगे चलते हैं, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है पायोस्की स्कोर, 56 देन 1, 7 देन 2। तो देखो ये ना 56 नहीं था, ये 5 to 6 था, मैं भी चकरा जाता हूँ। तो अगर 5 से 6 है तो 1 नंबर दे दो, 7 है तो 2 नंबर दे दो, 8 या 9 है तो 3 नंबर दे दो। तो हम चलते हैं यहाँ पर जाके देखते हैं कि डीमार्ट जी का पायोस की स्कोर कितना है जी। तो इधर देखने का, तो डीमार्ट का पायोस की स्कोर इज बॉस 8, विच इज वेरी गुड, दैट मींस द कंपनी इज वेरी फाइनेंशियली सॉलिड। तो आप कितना डाल दोगे जी इधर? इधर डाल दोगे 8 to 9 पे, कितना लिखा है मैंने? तो मैंने लिखा है इधर 3, पूरा 3 देने का इसको। नेक्स्ट है बार्गिन। अब बार्गिन कैसे निकालते हैं दोस्तों? कि प्राइस डिवाइडेड बाय नेट करंट एसेट्स पर शेयर। अब ये निकाल लेते हैं, बट ये जो है अभी आपको ज्यादा इसमें पचड़े में पड़ना नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं किसी दिन अलग सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा आपको। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों किस पे, वॉरेन बफेट साहब का जो रास्ता है, जो तरीका है उस पे। तो वॉरेन बफेट साहब किस तरह से स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, उनकी क्या मेथडोलॉजी है, ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ स्टॉक एनालिसिस। तो यहां बात करते हैं कि सबसे पहले बफेट साहब कहते हैं कि क्या कंपनी के पास मोनोपोली है या इसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, डी मार्ट इज मार्केट लीडर, और सबसे बड़ी बात है सेलिंग हाई वॉल्यूम एट लो प्राइस स्टिल इन प्रॉफिट फ्रॉम बिगनिंग। समझ रहे हैं? ये इसकी क्या है, इसकी दोस्तों है यूएसपी, यानी कि ये है इसकी मोट। तो इसको फुल 3 मार्क्स देने हैं। क्यों देने हैं? अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप कभी डीमार्ट स्कोर में स्टोर में जाओगे, और मैं कहूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जाना ही चाहिए। आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके शॉप्स पे, उसके स्टोर्स पे, उनके प्रोडक्ट को, उनकी फैक्ट्री को जितना हो सके देखने की जरूरत है दोस्तों। ये जो ले फटाफट दे फटाफट, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग है। तो ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे वीडियोस और बनाए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात यहाँ ही करते हैं कि क्या डीमार्ट में एक मोट है, यानी कि क्या ऐसी खास बात है जो उसके कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। यस बिल्कुल है। पहली खास बात है राधा किशन धामानी जी, क्योंकि वैसे तो कोई उनके डुप्लीकेट बनाना तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि वो इंसान इतने एक एक रुपए को, एक एक कैलकुलेशन को लेकर के बहुत ही शार्प है वो। तो पता है क्या है,
इसमें एक तो इस कंपनी के अंदर खास बात क्या है कि आप डीमार्ट के जब स्टोर जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि अधिकतर जो चीजें हैं खासतौर पर फूड सेगमेंट में, वो आपको मार्केट में जो बनिया है उससे भी सस्ती मिलेगी वहां पर। जबकि वो एसी भी चला रहे हैं, इतनी बड़ी जमीन भी मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने, इतने सारे स्टोर्स खरीद रखे हैं, वो सब भी, पर फिर भी सस्ती मिलेगी। एक चीज तो ये है कि वो इतना वॉल्यूम में बेचते हैं कि उन्हें फिर भी मार्केट में कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, यानी वो लोएस्ट प्राइस दे पाते हैं। दूसरी चीज वो ये है कि इनके मुकाबले में जो नेक्स्ट कंपनी है वो इनसे 10% साइज की है, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं दूर दूर तक। तीसरी चीज, इनके स्टोर में अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये सारे स्टोर्स इनके खुद के हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है कुछ एक कि मेरे को भी जानकारी ना हो, लेकिन ये सबसे पहले स्टोर रेंट पे नहीं लेते दोस्तों। आज आप कहीं रिलायंस फ्रेश में या बिग बाजार कहीं जाओगे तो उनके अधिकतर जो स्टोर्स हैं वो रेंटेड हैं, लेकिन धामानी जी के डीमार्ट के स्टोर पहले खरीद लेते हैं। तो अगर आप मुझसे कहोगे कि डीमार्ट कैसी कंपनी है, तो आप पूछोगे कि क्या ये रिटेल कंपनी है, मैं कहूंगा रिटेल कंपनी नहीं है भैया, ये रियल एस्टेट कंपनी है। क्योंकि डीमार्ट के पास कितनी लैंड, कितनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो गई है, आज उनके 324 स्टोर्स हैं, 324 इंडिया के लगभग हर हिस्से में। तो आप सोचिए इतना सारी जमीने, इतनी सारी प्रॉपर्टीज डीमार्ट की खुद की है, सो विच इज अ स्ट्रॉन्ग मोट। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि ये तो हो गया मोट, अगर मैं इस पे पूरा लंबा पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो पूरा दिन निकल जाने वाला है, वो कभी हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें बहुत आनंद आएगा आपको। बट अभी सारी भावनाओं को ना ऐसे काबू में करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तो इस वाले डिपार्टमेंट में इनको मिलते हैं पूरे 3 मार्क्स, 100% मिलने चाहिए पूरे दावे से। अब आगे चलते हैं, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है क्या, क्या आपको ये बिजनेस आसानी से समझ में आता है कि डीमार्ट करती क्या है। सीधी बात है, सुपर स्टोर्स खोलती है, माल डालती है, किराने की सामान को बेचती है, सिंपल बिजनेस। अब इसकी जगह अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी ऐसी लेते हैं, मान लीजिए परसिस्टेंट सिस्टम्स क्या करती है, या मैं कहूंगा कि सतलज विद्युत जल विद्युत निगम क्या करती है, या कोई और दे लो माइंड ट्री क्या करती है, माइंड ट्री, तो आपको ना बहुत ढूंढना पड़ेगा कि वो किस तरीके की सॉफ्टवेयर्स में करती है, क्या करती है। तो क्या आसानी से समझ में आने वाला बिजनेस है, तो वो बफेट साहब के हिसाब से ज्यादा अच्छा है। आप देखिए ना, बफेट साहब ने, वॉरेन बफेट साहब ने कहां कहां शेयर्स में पैसे लगाए, एक्सन मोबिल मोबिल ऑयल बनाती है, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, अमेरिकन बैंक एक्सप्रेस बैंक बैंक है साधारण सा, इनमें उन्होंने पैसे लगाए हैं और अपना हैथवे बर्कशायर का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। दोस्तों आपको पता है क्या, हैथवे बर्कशायर जो कि वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है, उनके एक शेयर की कीमत क्या है, आप चौंक जाओगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इंटरेस्टिंग फील्ड, आप देखा करो, रिसर्च करो, आपको मजा भी आएगा। और शेयर मार्केट को गेम की जगह आप एक इंटरेस्टिंग बुक की तरह से पढ़ना शुरू करो, कितना आनंद आएगा। हम बात करते हैं एक बार इससे हट करके बर्कशायर हैथवे के शेयर की। लो जी कितना है दोस्तों, 5,10,840 USD, $5,00,000, यानी 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक शेयर की कीमत तुम क्या जानो विजय बाबू, क्या था वो, तुम क्या जानो राजेश बाबू, एक शेयर की कीमत है 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पावर है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, ये पावर है इक्विटी रिसर्च की, ये पावर है चीजों को बहुत गहराई से समझ के फिर इन्वेस्ट करने की, और वही इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, अभी ये चीज मैं बार बार बोलूंगा क्या, इतना तो आप भी समझदार हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, बस हर वीडियो मेरी आपको सीधे मिलेगी आपकी यूट्यूब पे। और ऐसी वीडियोस तो मैं अभी बहुत लाने वाला हूं, अगर ईश्वर ने शक्ति दी तो मैं काफी इस पे मेहनत करके काफी वीडियोस आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाने जा रहा हूं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को भी आप देखोगे तो उनको भी नहीं मिलता होगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, ये गुरु की गुरु दक्षिणा आपको देनी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इजी टू अंडरस्टैंड है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिटेल चेन है प्लस रियल एस्टेट चेन, ये भी लिख देता हूं मैं क्योंकि रियलिटी तो यही है ना।
चलिए ये 3 मार्क्स दे दिए। अब हम ये देखेंगे कि क्या ग्रोथ इन अर्निंग्स है, तो वो हमने देखा बिल्कुल कि हर साल प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल है, तो हम इसको डाल देते हैं यस, और इसको भी दे देते हैं हम फुल 3 मार्क्स। हालांकि इसको मैं पहले दे चुका हूं तो ये डबल हो जाएगा स्कोर, बट अभी के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या इसकी मोनोपोली है, क्या कंपनी के पास क्लियर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, क्या ये अकेली कंपनी ऐसी है जो कि इस मार्केट के अंदर धूम मचा रखी है और दूसरी कंपनियां बहुत दूर है इससे। तो बात बिल्कुल सही है, ये एब्सोल्यूट मोनोपोली है इसकी, तो इसको आप कह दीजिए यस और इसको मार्क्स दे दीजिए 3। क्या इसमें कोई बैड न्यूज या टेम्परेरी लॉस ऐसा कुछ है, अभी तक कुछ पता पड़ा नहीं, लेट्स लीव इट। फिर आपके पास में आता है दोस्तों, मोनोपोली हो गई, ये हो गई बैड न्यूज हो गया, राइट रीजंस फॉर पेइंग स्पेसिफिक प्राइस टू बाई शेयर। अब ये अभी तक जो हमने रिसर्च की है उसके बाद ये खुद भरना है अपने को, क्या कि अभी तक जो आपने रिसर्च किया उसके बाद में ये बता दो कि हम इसको 3,500 रुपए क्यों दें इस कंपनी को एक शेयर खरीदने के लिए। तो इस वाले कॉलम में हम तब लिखेंगे जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, और ये पहले दिन नहीं लिखना है बल्कि 7-8 दिन रिसर्च करने के बाद एक नतीजे पे पहुंच के लिखना है। तो अभी हम इसे आगे छोड़ के आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी हम पहले कर चुके हैं, लेट्स लीव इट। प्रोमोटर स्टेक, प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कितना है और वो क्या बढ़ा है कि कम हुआ है, तो देख लेते हैं। तो धामाली जी का जो प्रोमोटर स्टेक है वो है 74% होल्डिंग है, और क्या ये बढ़ा है देख लेते हैं दोस्तों, नीचे चलें। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब आप ये देखिए कि जो ओनर है उनकी शेयर होल्डिंग 2020 में कितनी थी, 74.99, और अभी कितनी है, 74.98। तो कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं है, मतलब लगभग उतनी ही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो प्रोमोटर स्टॉक क्या है, प्रोमोटर जो का जो स्टेक है यानी उनकी जो शेयर होल्डिंग है विच इज सेम, तो हम इसको 0 मान लेते हैं, इसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं रीड बैकवर्ड्स। हाँ, अगला पार्ट है वो है एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का। तो दोस्तों एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के लिए हम चलते हैं सीधा, अब एनुअल रिपोर्ट, फिर उसके बाद में हम करेंगे वेब पे सर्च, और उसके बाद में करेंगे टेक्निकल्स, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, RSI है, MACD है, बोलिंजर बैंड्स है, मूविंग एवरेज है, स्टोकास्टिक है, ट्रिक्स है, अल्टीमेट ऑसिलेटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब करके हम एक टोटल स्कोर निकाल करके ये देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हम करने, मतलब इसमें कितना दम है। अब बात करते हैं हम कि एनुअल रिपोर्ट की। तो दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में हमें क्या करना है, पहले तो एनुअल रिपोर्ट खोलो, कैसे निकालेंगे, तो आप जब स्क्रीनर पे नीचे जाओगे तो आपको यहां पर दोस्तों दिख जाएगी एनुअल रिपोर्ट, तो ये जाओ और इसको ओपन कर लो, डाउनलोड कर लो इसको। तो दोस्तों ये है डीमार्ट की एनुअल रिपोर्ट, कितने पेजेस की है, 229, 225 की है, और एक बार देख लें कि इसमें पेजेस किस किस तरीके हैं। तो देखो ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आ गई, ये इनके स्टोर्स आ गए, ये इनके मेन फिगर्स आ गए कि इनके पास में जो है ग्रोसरी वाला सेक्शन 56% रेवेन्यू दे रहा है, और बाकी जो है हेल्थ केयर, ये होम केयर वाले 19%, और जो गारमेंट्स वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो इनको 23%। फिर इनकी KPIs है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों, ये 300 पेजेस की है। तो अभी इस वीडियो में 300 पेजेस तो पढ़ना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए वो जरूर बता देता हूँ एक बार। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोस, जिससे आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे। पहली चीज क्या देखनी है दोस्तों, आप हमेशा पीछे से पढ़िए एनुअल रिपोर्ट को, लास्ट से पढ़िए। तो क्या होता है ना कि जो खराब मटेरियल है ना उसको पीछे दबा के रखा जाता है, और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजों को आगे ला के रखा जाता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम सबसे पहले चलते हैं सबसे लास्ट में, यहां से। तो यहां से आप ये देखोगे तो यहाँ ना ये है दोस्तों फुटनोट्स, और सारी कंपनी की जितनी भी उल्टी सीधी चीजें हैं ना सब इसी में छुपा के रखी जाती है कि मैनेजमेंट ने कब कौन सी किसको शेयर्स बांटे, कब कौन सी गलती करी उन्होंने, क्या इनके ऊपर केस हुआ है, ये सब आप देख रहे होगे, आइटम नंबर दिस, आइटम नंबर दिस। अभी हालांकि बड़ा ही बोरिंग सा स्टफ है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को ढंग से समझना चाहते हो तो दोस्तों यही स्टफ आपको मजेदार लगने लगेगा। एक तरह से जासूस वाली भूमिका में रहता है एक स्टॉक इन्वेस्टर, वो हमेशा एक डिटेक्टिव की तरह से सोचता है कि कहां उसे कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ पता पड़े और झट से पकड़ ले उसे। तो दोस्तों लास्ट से पढ़िए। अब एनुअल रिपोर्ट आपको खुद को ही पढ़नी है, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो
कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बात कर लेंगे उस पर पहली चीज क्या है, लास्ट से पढ़ना है। तीसरी चीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं हम, तो हम सीधे कंट्रोल एफ करते हैं, डालते हैं अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज में देखते हैं क्या क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा ये बदलती नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी एक बार में एक अकाउंटिंग पॉलिसी रख रही है, साल भर बाद में कुछ और कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। तो आप देखेंगे ये है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसमें क्या क्या आता है कि कंपनी परचेजिंग किस तरह से करती है, वो टैक्स किस आधार पे पे करती है, वो अपनी डेट इक्विटी और अकाउंट की बुक्स को किस तरह से मेंटेन करती है। अब एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आपने आपने नाम सुना होगा, एक होता है लीफो, एक होता है फीफो। अब ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी का एक एग्जाम्पल क्या है, वो है लीफो फीफो। तो लीफो का मतलब होता है दोस्तों LIFO, दूसरा होता है FIFO। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल 1 महीने पहले आया और जो माल 3 महीने पहले आया, तो 1 महीने पहले वाला माल जो है उसको सबसे पहले बेचो और 3 महीने वाले माल को उसके बाद में बेचो। तो लास्ट इन यानी सबसे लास्ट में जो आया उसको सबसे पहले बेचो या उसको सबसे पहले एंट्री करो उसकी, तो ये होता है लीफो। दूसरा होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि 3 महीने पहले जो आया उसको पहले बेचो, 2 महीने पहले पहले जो आया उसको उसके बाद बेचो, और जो कल माल आया है उसको सबसे लास्ट में बेचो, इस तरह से। वो है फीफो प्रैक्टिस। तो अगर कोई कंपनी लीफो से कहती है कि हम तो फीफो में जा रहे हैं, तो इसमें आपके कान खड़े हो जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अकाउंटिंग हेरा फेरी का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो हमेशा देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी है और किस तरह से काम कर रही है कंपनी में। अगली चीज पे बात करते हैं दोस्तों, वो है कि हमें देखना है कि डिस्क्लोजर्स। देखो आप इसमें कि कई बार ना कंपनी डिस्क्लोजर्स में वो चीजें डाल देती है जो आपको आसानी से नहीं पता होता। तो यहां जाके हम देखते हैं कि क्या इस कंपनी में कोई डिस्क्लोजर है। तो आप देखिए 44 कितने सारे डिस्क्लोजर्स हैं इनके, तो देख लेते हैं किस किस टाइप के डिस्क्लोजर हैं। तो आप ये देखेंगे तो जैसे यहाँ गए, द डिस्क्लोजर इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन दिस ऑफ दिस, ये सेबी का। तो ये नॉर्मल, ये इसमें डिस्क्लोजर में वो चीजें बता देते हैं जो आमतौर पे नहीं पता होती। तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कैपेक्स का पेमेंट हमने इतना किया है, पहले इतना किया था और रीपेमेंट ऐसे हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब इन्होंने बता दिया। आगे डिस्क्लोजर सोर्स देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ये यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहे हैं इसको कि हम क्या कर रहे हैं कि डिविडेंड अभी नहीं दे रहे हैं, ये डिस्क्लोजर इन्होंने कहीं ना कहीं किया हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हैं वो भी डिस्क्लोज करेंगे इसमें। इस तरह से आपको सारी डिस्क्लोजर्स को जाकर के एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है आपकी मैनेजर के रियलिस्टिक गोल्स। अब आप मैनेजर का जब कमेंट्री पढ़ेंगे इसमें, तो क्या मैनेजर ऐसा तो नहीं कर रहा है कि मेरे पास 5 रुपए और मैं 5 लाख का सौदे करने जा रहा हूं। ऐसा मैनेजर ना वो शेयर होल्डर्स को सिर्फ बेवकूफ बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धामाणी जी के वाले के केस में क्या होगा, क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन है तो ये जानते हैं कि इनको 6% से 10% का जो मुनाफा मिलता है उसके हिसाब से कितना ग्रो कर सकते हैं, उतनी ही एस्टिमेशन देंगे। लेकिन कई ऐसे होते हैं ना जादूगर टाइप के मैनेजर, सीईओ, वो आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं आपको, और फिर आप उनको मान भी लेते हो, और उस वजह से फिर प्राइस ज्यादा प्राइस पे स्टॉक खरीदते हो, और फिर उसके प्राइस गिरनी शुरू होती है और फिर आप फंस जाते हो उसमें, या फिर लॉस बुक करके निकल जाते हो। तो दोस्तों ये काम नहीं कर रहे। तो हमेशा देखिए कि क्या मैनेजमेंट की का टोन क्या है, वो किस तरह से लिख रहा है चीजों को, और क्या उन्होंने इस तरीके की कोई चीज इसमें शामिल करी है कि गोल्स उनके रियलिस्टिक है या नहीं है, तो उनकी एनुअल रिपोर्ट में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। फिर दोस्तों ग्राहम प्राइस को हम किसी दिन बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इस प्राइस रनिंग फास्टर देन 10 ईयर्स रिकॉर्ड, तो इस देन द अर्निंग्स। तो हमें ये देखना है कि क्या प्राइस तेजी से भाग रही है या अर्निंग्स तेजी से भाग रही है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका मतलब ये है कि देखिए अगर कोई कंपनी की प्राइस ज्यादा तेजी से भाग रही है और उसकी कमाई यानी उसकी अर्निंग्स कम तेजी से भाग रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार में बहुत सारे लोगों ने मान लिया है कि ये कंपनी की अर्निंग तेजी से ग्रो करने वाली है, तो वो सारे बुलिश हो चुके हैं। तो ज्यादा बुलिश होने वाले ना फिर ज्यादा धड़ाम से गिरते हैं।
अगर मान लीजिए 10 साल में प्राइस बढ़ी है दोगुना, सॉरी अर्निंग्स बढ़ी है दोगुना और प्राइस बढ़ गई 5 गुना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर प्राइज हो चुका है, यानी कि महंगा हो चुका है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। दूसरी तरफ अगर प्राइस स्टेबल है और अर्निंग्स बढ़ रही है, जैसा कि हमने डीमार्ट के केस में देखा भी है, अभी वापस देखेंगे, इसका मतलब लोगों ने उस पर ध्यान देना बंद कर रखा है और वो एक ऐसी छुपी रुस्तम है जो चुपचाप मगरमच्छ की जैसे पानी में तैरती हुई आगे बढ़ रही है, किसी को नजर नहीं आ रहा कौन है यहाँ पर। इसका मतलब दोस्तों जिस दिन किसी की नजर इन पे, इन्वेस्टर्स की नजर पड़ी तो कहेंगे अरे ये क्या हुआ, ये इतनी बढ़िया कंपनी है, इतना सारा प्रॉफिट है इसका, इतनी स्टेबली ये ग्रो करती जा रही है अर्निंग्स, तो इसको खरीदा क्यों नहीं किसी ने, और फिर सारे लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। जैसे ही डीमार्ट की या किसी भी ऐसी कंपनी की मार्केट में न्यूज आएगी कि भाई इनकी अर्निंग तो इस तरह से ग्रो कर गई, तो उसके बाद सारे लोग प्राइस उसमें खरीदना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों वो जो चीज है ना तब स्टॉक प्राइस ज्यादा चली जाएगी। तो बेटर है कि आप ऐसी कंपनी खरीदिए जिसकी प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ रही है और जो अर्निंग से वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो जरा देख लेते हैं एक बार इस स्टॉक में भी ऐसी बात है या नहीं। तो यहां चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, देखिए यहां ये है पीई रेशियो, तो आप ये देखिए ये जो नीली लाइन है ना ये है प्राइस, नहीं ये है पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये है अर्निंग्स। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है ना वो पी रेशियो कम बढ़ रहा है और अर्निंग्स बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो कम होती जा रही है और अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, विच इज वेरी गुड, वही तो हम चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें आप डाल दीजिए, हालांकि मैं क्वालिटेटिव डाल रहा हूँ तो इसमें स्कोर नहीं डाल रहा हूँ, आप यस नो कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं इसमें, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद में आपको दोस्तों पढ़ना है मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, ये लगभग हर एनुअल रिपोर्ट में होता है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें मैनेजर्स ये बताते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर कैसा किया, इस साल कैसे करेगी, क्या चैलेंज आए, किसका फायदा हुआ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट दोस्तों आपको बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए बिजनेस सेगमेंट जो डीमार्ट है उसके बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से हैं, उसके 3 सेगमेंट है दोस्तों, तो हम सी डॉट ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये यहां पर 3 सेगमेंट है, पहला सेगमेंट क्या है दोस्तों, पहला सेगमेंट है इनका वो है ग्रोसरी, यानी खाने पीने का सामान, डेयरी का सामान, फ्रोजन बिस्किट अचार पापड़ फल फ्रूट ये सब, जैम जेली ब्रेड ये सब, तो ये सब इनसे रेवेन्यू कितना आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 56.8% लास्ट टाइम, और उससे पिछले साल था 57.4%, यानी फूड वाली कैटेगरी जो है उसमें इनका कम हुआ है ये, यानी कि पहले से इनका कम हो गया है कंट्रीब्यूशन। तो पहला जो कैटेगरी है वो है फूड, दूसरी है नॉन फूड एफएमसीजी, जिसमें अपने साबुन तेल शैम्पू ये सारी चीजें आती है, और तीसरी है दोस्तों वो है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपेरल, यानी कि ड्रेसेस हो गई, टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, ये तो आप डीमार्ट के स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे फूड दिखेगा, उसके बाद में आपको ये जो साबुन तेल सर्फ एक्सल वगैरह वगैरह ये सब दिखेंगे, और आप ऊपर जाएंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आमतौर पे मर्चेंडाइज अपेरल वगैरह ये दिखेगा, टी शर्ट्स शर्ट्स जीन्स ये सारी चीजें। तो ये 3 इनके बिजनेस के सेगमेंट है। अब इन तीनों बिजनेस सेगमेंट में हम ये देखें कि सबसे ज्यादा आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन किसका है, वो है आपका फूड सेक्शन का, आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू आता है डीमार्ट का वो फूड से संबंधित चीजों का आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सोप साबुन तेल वगैरह ये है ये देते हैं 19.74%, और इसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों बढ़ा है, देखिए फूड का कम हुआ है और शैम्पू वगैरह का ज्यादा हुआ है। सेम वे ये बेड एंड बाथ टॉयज गेम्स क्रॉकरी प्लास्टिक गुड्स गारमेंट्स फुटवेयर ये तीसरा सेगमेंट है और उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है दोस्तों कि तीनों सेगमेंट में अगर आप देखें तो डीमार्ट में धीरे धीरे ना फूड के मुकाबले में लोग और चीजें भी खरीदने लगे हैं, मतलब पहले वहां जाते थे सिर्फ अपने जो घर की ग्रोसरी होती है वो खरीदने के लिए, कि आटा खरीद लिया, चीनी खरीद ली, चाय खरीद ली,
इस टाइप की जो चीजें हैं वो सारी खरीद ली, चावल खरीद लिए, लेकिन अब इसके अलावा जो है वो लोग कपड़े भी खरीद रहे हैं, टी शर्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं, साथ में वो शैम्पू वगैरह ये सब भी खरीद रहे हैं। तो ट्रेंड समझ में आ रहा है कि तीन बिजनेस सेगमेंट में से धीरे धीरे हायर प्रॉफिट मार्जिन वाली चीजों की तरफ मूवमेंट बढ़ रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि कंपनी भी तो यही चाहती है। फूड का जो आइटम होता है ना दोस्तों, खाने पीने की चीजें, उसमें बहुत कम मार्जिन होता है क्योंकि मोस्टली वो कमोडिटी है। हालांकि ब्रांड्स उसमें है जैसे मैगी वगैरह सब कुछ, नेस्ले मैगी, स्टिल वहां मार्जिन बहुत कम होता है। दूसरी बात, वो मॉनसून डिपेंडेंट होती है क्योंकि गेहूं कम हुआ ज्यादा हुआ उसका असर ब्रिटानिया कंपनी में पड़ेगा। ब्रिटानिया कंपनी की जो अगर प्राइस अप डाउन होती है उसका मार्जिन कम ज्यादा होता है, उसके हिसाब से असर पड़ेगा डीमार्ट पे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटानिया की बिस्किट बेचती है वहां पर। इसलिए आपको देखना चाहिए कि फूड वाली चीज का धीरे धीरे अगर उसकी जगह पे दूसरी चीजों पे कंपनी ज्यादा देख रही है रेवेन्यू आता हुआ, विच इज अ गुड थिंग, तो ये आपको जरूर एनुअल रिपोर्ट में देखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद क्या देखना चाहिए? फिर आपको देखना चाहिए कि क्या ये ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, यानी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां खरीदने में लगी हुई है। कुछ कंपनीज आपको दिखेगी जो आज ये खरीद लो वो खरीद लो, जैसे आपको बताया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले क्या किया, मिंत्रा को खरीदा, जबोंग को खरीदा, फिर ऐसे इसको खरीदा उसको खरीदा। भैया आप रिटेल ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो या कंपनियां खरीदने में लगे हुए हो, और नतीजा क्या, इतना करने के बाद भी घाटे में, अभी भी घाटे में चल रही है मेरे हिसाब से वो, और लास्ट में उसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया और अपने अंदर शामिल कर लिया। तो दोस्तों ऐसा होता है। तो कंपनी की ग्रोथ ना ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं कि आप एक्वायर कर रहे हो। तो जो कंपनियां सीरियल एक्वायरर्स होती है ना, कि वो सिर्फ एक्विजिशन में लगी रहती है, कंपनी कंपनी को खरीद रही है, तो दोस्तों फिर वो अपने मेन बिजनेस पे ध्यान कब देंगी? तो वो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर आपको देखना है कि व्हाट मेक्स दिस कंपनी ग्रो, इस कंपनी को ग्रो करने का वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, वो आपको जरूर नोट करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का सोर्स क्या है, कहां से पैसा आ रहा है इनका। फिर देखना चाहिए कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी लैंग्वेज कैसी है, मैनेजर साहब साफ साफ लिख रहे हैं या चीजों को गोल मोल करके लिख रहे हैं। जैसे कई केसेस में आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि लोग इसे गोल करके लिखेंगे कि कोविड आ गया तो फलाना हो गया, ये हुआ हमारे स्टोर्स पे वर्क फ्रॉम होम हो गया, और ऐसे घुमा फिरा के अपनी कमियों को छुपाने के लिए जानबूझ के झूठे बहाने बनाएंगे। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट पूरी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। फिर इसमें आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की जो हेराकरी है, मतलब जो यहाँ चालबाजी है ना, उनको भी पकड़ना चाहिए। कैसे? कि आप एनुअल रिपोर्ट में जाके सबसे पहले देखो कि क्या इसमें कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा हुआ है, या कुछ अनयूजुअल एक्सपेंस लिखा हुआ है, या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। दोस्तों ये वो चीजें हैं जो कंपनी की धोखाधड़ी वाली डीलिंग्स को छुपाने के लिए यूज की जाती है। तो ये अगर इक्का दुक्का है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत बार बार रिपीट हो रही है इस टाइप के टर्म्स, तो आपको हमेशा इस पे सावधान हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट इन सब का भी हम आगे बात करने वाले हैं, बट मेन चीज जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की, और उसके बाद इस रिसर्च को करेंगे खत्म। अब टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो टेक्निकल्स के लिए क्या है दोस्तों, कोई सी भी आप वेबसाइट खोल लीजिए, बट मैं खोलता हूँ इन डॉट ट्रेड व्यू, ट्रेडिंग व्यू। इन डॉट ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम, नॉर्मली मैं यही खोलता हूँ। अब इसमें आपको क्या सर्च करना है, स्टॉक ले लीजिए कोई सा भी आप, तो मुझे पता नहीं है मुझे लॉग इन करने के लिए कहेगा क्या, लेट्स सी। तो यहां हम सर्च करते हैं दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्केट है, ये रहा एवेन्यू सुपरमार्केट, इसका चार्ट खोलते हैं हम लोग। आप वीडियो रोक करके आराम से कुछ खा पी करके रेस्ट वेस्ट करके आ जाओ, चाय वाय पी के, क्योंकि अभी टेक्निकल्स की पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलिए अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न अगर इसका खोलते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं चार्ट की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। दोस्तों ये चार्ट है इसका, और आप ये देखोगे कि कब से कब तक का चार्ट है ये,
ये है आपका 2018 से लेके 2023 तक का। तो पहली चीज हमें देखनी है कि ये जो चार्ट है इसके ऊपर हमने लिया है चार्ट मंथली, हम इसको डे वाइज और आवर मिनट उस हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम ये देखें कि इसकी लास्ट कैंडल स्टिक्स कैसे बन रही है। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ कैंडल स्टिक लास्ट आ गई है ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक, और वो भी ग्रो कर रही है यानी कि बढ़ रही है। पहले एक डोजी आती है और उसके बाद में एक कैंडल स्टिक ग्रीन है, यानी कि ये बुलिश पैटर्न है। और बुलिश सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू जो है दोस्तों, उसमें ये मैंने खोला हुआ है डीमार्ट को, और ये आपके स्क्रीन पर इसका कैंडल स्टिक चार्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लास्ट में अगर ध्यान देंगे तो इधर ये जो कैंडल्स बनी हुई है ये एक्चुअली एक तरीके का कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो कर रही है। आप देखिए किसी ने अगर यहाँ पर डीमार्ट को लिया होता तो इतना पैसा बनाया होता है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ देखिए ये डाउन ट्रेंड हुआ, फिर से वापस इसने एनगल्फ किया इस कैंडल स्टिक ने, अब ट्रेंड हुआ फिर डाउन ट्रेंड यानी साइडवेज चली, और अब ये धीरे धीरे लास्ट कैंडल इसकी ग्रीन है यानी लोग इसके बारे में बुलिश है, तो इसकी अपटिक होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें देखना है कि क्या व्हाइट मतलब रेड या ब्लैक ग्रीन में से, तो मिनिमम 3 दिन की कंफर्मेशन लेनी है। तो क्योंकि हमने मंथली चार्ट खोल रखा है तो डे वाइज चार्ट से हमें इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, तो हम डे वाइज चार्ट ले लेते हैं इसका। अब ये देखिए ये डे वाइज चार्ट आ रहा है, तो देखिए दोस्तों 3 दिन का चार्ट आ रहा है, बट ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो हम वापस मंथ पे ही चलते हैं हमारे, क्योंकि हम इतनी लंबी ड्यूरेशन ले रहे हैं, तो लेट्स टेक इट मंथ वाइज। भाई क्या है इनकी प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने चार्ट को इस तरह से कर लिया है। चलो दोस्तों अभी इसी चार्ट से काम चलाते हैं, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आप देख लेंगे। तो लास्ट की जो 3 कैंडल्स है वो में से 2 कैंडल्स जो है ना वो क्या आ रही है दोस्तों, वो आ रही है आपकी ग्रीन, बीच की सिर्फ एक रेड है, यानी कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मूवमेंट है चार्ट में। तो हम इसको ले लेते हैं दोस्तों क्या कि ये कैसा है, ये +2 है यानी +3 नहीं मान सकते इसको क्योंकि सारी की सारी ग्रीन नहीं है। वॉल्यूम हमें देखना है कि क्या वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम आपको ये बताता है कि ट्रेंड में कितना दम है। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम पे नजर डालें, ये जो नीचे बिल्डिंग्स है ना ये सारे वॉल्यूम है, तो बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों ने इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, विच इज अ गुड साइन, यानी कि अब इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो हम इसको 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इसको देखते हैं हम, तो इसको कैसे शामिल करेंगे और इसमें क्या देखना है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम में भी देखना है डाइवर्जेंस, अगर राइज हो रहा है तो अपसाइड ट्रेंड है, अगर डाउन हो रहा है तो डाउन साइड ट्रेंड है। अब हम कैसे करेंगे इसको, यहां गए और अब हम यहां पर इंडिकेटर ऐड करते हैं इसमें, तो कैसे करते हैं देखें, देखिए दोस्तों इसके बाद में इसमें इंडिकेटर ऐड कर देते हैं यहाँ से, कहाँ है इसमें से OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये रहा दोस्तों ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इसको हमने ऐड किया। अब जरा देखें कि इससे क्या मतलब निकलता है, तो OBV अगर आप देखेंगे तो हमने क्या देखा था वहां पे हमारी स्क्रीन पे, हमने कहा था कि क्या ये राइज हो रहा है चेक फॉर डाइवर्जेंस, कि ये दिशा कौन सी ले रहा है, अगर राइज हो रहा है तो अपसाइड ट्रेंड है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड कैसा है दोस्तों, अपसाइड। ये देखिए यहां से यानी जून के पहले से मई से आगे बढ़ना शुरू कर चुका है, सो दैट इज ए पॉजिटिव यानी कि बाइंग ट्रेंड है, तो इसको मैं डालता हूँ 2। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना उनको सबको एक साथ देख करके एवरेज लेने से ही आपको सही पिक्चर का पता चलेगा। सॉरी। अब देखिए कि क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ऊपर,
तो जो सेट कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हुआ या कोई भी इस तरीके का पैटर्न, तो क्या वो बनता हुआ दिख रहा है हमें? तो हम देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ बनता हुआ नहीं नजर हमें नहीं आ रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म इसमें जाएं तो आप देखेंगे कि बस ये है, हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं इसमें। तो हायर टॉप हायर बॉटम्स बनने का मतलब होता है कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो कह सकते हैं हम हायर टॉप बॉटम्स, इसका मतलब क्या है, बुलिश। लेकिन एक चीज आपने देखी कि इतना ज्यादा भाई नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको वन मार्क दे दें कि ऐसा बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रहा, बट हाँ आ रहा है कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फिर देखिए एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ये भी क्या कंपनी लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, बट फिलहाल हम इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है नहीं। रेशियो ऑफ 52 वीक हाई, इसको भी छोड़ दीजिए आप। प्राइस पैटर्न, वो अभी हमने देखा कि क्या कंटिन्यूशन है या रिवर्सल है। तो हम यहाँ चलते हैं और जाके देखते हैं कि प्राइस का अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसके लिए आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से यहाँ तक। ये एक ट्रेंड था, उसके बाद में दूसरा ट्रेंड ये था, ये अब ट्रेंड था, फिर आपका साइडवेज चला यहां से यहां तक, और फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड आया जो कि रेंज बाउंड था पर छोटी रेंज थी इसमें। देखिए और अगर आप बिल्कुल छोटे उस पे जाओगे तो आप देखोगे कि यहां के बाद में वापस से अब ट्रेंड होना शुरू हुआ है इसका, यानी कि ये धीरे धीरे ही सही लेकिन अब ट्रेंड की तरफ चल रहा है। अब हमें इसका कैसे पता पड़ेगा कि ये सचमुच में अब ट्रेंड है या नहीं है, उसके लिए दोस्तों ये जो लास्ट के 3 दिन है ना, 3 दिन की हमें क्लोजिंग देखनी है। अगर तीनों दिन क्लोज ये इस लाइन से अबव होता है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ना, इससे ऊपर अगर ये 3 दिन लगातार बंद होता है, दैट सिंपली गिव्स द सिग्नल दैट इट इज अ कंफर्म्ड बुलिश ट्रेंड। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस ट्रेंड है बुलिश बट कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है हमें, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो मैं इसको अभी जीरो रखता हूं क्योंकि कंफर्मेशन के बिना नहीं है। फिर बात करते हैं RSI की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये दोस्तों बताती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो इसमें खास बात क्या होती है कि 30-70 के बीच में हम इसे नॉर्मली लेते हैं, तो हमें देखना डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस किस साइड में है। और अगर मान लीजिए 30 से नीचे है तो इसका मतलब बहुत सस्ता हो गया शेयर, लोगों ने बहुत ज्यादा बेच दिया है, और अगर 70 से ऊपर है तो इसका मतलब ये बहुत महंगा हो गया है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर RSI को ऐड कर देते हैं। तो RSI ऐड कैसे करते हैं देखते हैं जरा। तो ऐड इंडिकेटर, ठीक है, RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये वाला, ये देखें जरा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही जबरदस्त है, अभी देखिए 30 से शुरू हुआ था और अभी कितना हो गया, 61 64 67, मतलब कि ये ज्यादा तो हो गया है। RSI महंगा तो है लेकिन ये ट्रेंड बड़ा जबरदस्त है। अभी देखिए जब जब RSI का ट्रेंड चेंज हुआ है तब तक प्राइस जो है वो चेंज हुई है। अभी देखिए RSI यहां से जंप करके यहाँ आई, ऊपर देखोगे तो प्राइस जंप करके यहाँ से यहाँ आई। तो RSI आपको थोड़ा सा आगे बता देता है कि क्या होने वाला है, तो ये बुलिश ट्रेंड को शो कर रहा है, हालांकि ओवरबॉट है लेकिन फिर भी बुलिश ही है एक तरीके से, बट हम इसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इसलिए कुछ दिन और देखना पड़ेगा, तो हम इसे जीरो रखते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और फिर हम इसमें मार्क्स देंगे और बाद में हमें पता पड़ेगा कि कन्फर्म ट्रेंड है। इसी तरह से बोलिंजर ब्रांड्स है, MACD है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ये भी हमें देखनी चाहिए, इससे हमें पता पड़ता है कि लोग खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, तो उनका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पता पड़ जाता है। फिर चाइकिन है, ADX है, इनके अलग अलग मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि ये क्या क्या चीजों के काम में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है दोस्तों, वो है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो मूविंग एवरेज क्या हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं, ये एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। यहाँ वापस से एक मंथ वाला लेते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक द चार्ट ऑफ मंथ।
अब हम यहां पर ऐड करते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज, पहले ये हटा दें अपन ट्रेंड लाइंस। तो पहले हम मूविंग एवरेजेस को समझ लेते हैं कि होते क्या है, उसके बाद हम इनको यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेजेस की मैं पहले एक बार परिभाषा समझा देता हूँ आपको। इस पे तो नहीं आएगा, और ही कहीं करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेजेस हैं, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आज आपके पास में, सपोज करिए आज कल परसों, मतलब एक हफ्ते की जो 5 दिन है उनकी किसी स्टॉक की प्राइस को हम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी दिन वो 10 रुपए थी, फिर वो 15 रुपए हुई, फिर अगले दिन 20 रुपए हो गई, फिर वो वापस 15 रुपए हो गई, फिर वापस से 10 रुपए हो गई। तो 5 दिन का दोस्तों एवरेज ले लो कितना हो गया। ये हमने कहा 10 और 10 20, और ये 30 50 और 20 70, 70/5=14। तो ये एक एवरेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक के मंडे को मान लीजिए उसकी प्राइस थी 20 रुपए। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से ये पहले वाला दिन हटा देते हैं और अगली 5 वैल्यूज को ले लेते हैं हम। तो अब हमारे पास में एवरेज कितना आ गया कि ये 30 + 2 50, 50 और 30 हो गया 80, 80/5 दैट मीन्स आपके पास में आ गया 16। ठीक है, इसी तरह से उसके अगले दिन इसको हटा देते हैं और उससे आगे की प्राइस ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो एवरेजेस आते हैं इनको कहते हैं मूविंग एवरेज, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। जब इन मूविंग एवरेजेस को एक चार्ट पे ड्रॉ किया जाता है तो वो मूविंग एवरेज की लाइन बनती है। अब आप यहाँ 5 दिन ले रहे थे तो ये हुआ 5 डे मूविंग एवरेज, और अगर आप यहाँ पे 50 ले रहे थे तो वो हो जाएगा 50 डे मूविंग एवरेज। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस का फायदा क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर ऐड करते हैं। मूविंग एवरेज किधर है, ये रहा दोस्तों मूविंग एवरेज। ये कई तरीके के होते हैं, EMA, SMA, आप तो कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने 5 दिन का मूविंग एवरेज देखो ये रहा, इसकी हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये वाली आ गई। अब 5 दिन का मूविंग एवरेज है तो कम से कम एक या दो मूविंग एवरेज और लेने चाहिए, वैसे तो दो लेने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर एक और मूविंग एवरेज दे देते हैं। एक सेकेंड ना दोस्तों, तो हम यहां ले लेते हैं मूविंग एवरेज। और इस बार फिर से हमने मूविंग एवरेज एक ले लिया। ये ना यहाँ पर अपना माल बेचने में लग गए हैं। तो दोस्तों ये इस पे खोलना थोड़ा सा मुझे हो रहा है मुश्किल, कोई बात नहीं, पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसमें आप हमेशा ये देखिए कि 5 दिन का मूविंग एवरेज लीजिए, फिर 30 दिन का लीजिए, फिर 80 दिन का या 90 दिन का लीजिए। जहां पर दो मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस करते हैं और अगर वो प्राइस से ऊपर क्रॉस करते हैं, मतलब सॉरी, अगर दो मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं और जो प्राइस है वो उसके ऊपर है, यानी कैंडल उसके ऊपर है, तो दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है कि 5 दिन का मूविंग एवरेज और 30 डेज का मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और कैंडल उसके ऊपर है, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हर इंडिकेटर को चेक करने में आपको वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, तो ट्रेंड के सशक्त होने की चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो ऐसा ट्रेंड हमेशा डाउटफुल रहता है। सो दोस्तों इस तरह से हमने आज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन सब टेक्निक्स को यूज करके डीमार्ट के जो स्टोर, ये जो शेयर है, इसको पूरा समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं बहुत जरूरत से काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ नई जानकारी आपको इससे मिली होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि
शेयर मार्केट में जो सट्टे की तरह से लोग पैसा लुटाते हैं ना, उसकी जगह पर लंबे समय जीवन भर के लिए पूंजी इकट्ठा और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए ढंग से इन्वेस्ट करें, और सही इन्वेस्ट करने के लिए क्या तरीका है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, कलीग्स को, दोस्तों को, अपने सारे सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब जगह शेयर कीजिए। क्योंकि जानकारी के बाद में अगर कोई डिसीजन लेता है तो हो सकता है उसका कुछ लॉस होने से बच जाए। अरे ये मानिए कि मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं और वो कल कोई शेयर में पैसे गलती से लगा के डुबाने वाले हैं, तो आप अगर उनको ये वीडियो दिखा देते हो और उसके बाद वो वहां रुक जाते हैं तो हो सकता है कि उनका बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाए। ये जो बाजार में पेडलर्स घूमते रहे टिप लेके, ये टिप ले लो, ये टिप ले लो, न्यूज ले लो, न्यूज ले लो, न्यूज ले लो, तो दोस्तों न्यूज न्यूज पेपर की तरह नहीं बांटी जाती। तो जो अगर न्यूज न्यूज पेपर की तरह बांट रही है ना सब जगह, वो न्यूज काम की नहीं है, वो जानबूझ करके आपको बेवकूफ बनाने के लिए बांटी जा रही है। तो मैं कहूंगा शेयर मार्केट में हमेशा अपने आप को एक डिटेक्टिव की तरह से सोचना चाहिए, एक जासूस की तरह से, इन्वेस्टिगेटर की तरह से। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ में इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा और हर जगह, मैं कहता हूं कम से कम 1 लाख लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, तब मेरा अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आएगा कि मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाऊं। दोस्तों अभी तक मैंने मेरी जो रिसर्च है, जो नॉलेज है, उसका 1% भी शेयर नहीं किया आपसे, 1% भी। और मैं आपको आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ऑन करके दे रख लेना ताकि अगली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए, और इसको वीडियो को लाइक करना। सवाल आपके हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। अगर मुझे बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका बहुत समय लिया आपने, इतने धैर्य से, इतने प्रेम से मेरी बात को सुना और मुझे इतना समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे और आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपकी तरक्की में एक साथ काम करने लगें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।